नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है। शानदार तरीके से केकेआर ने बदला ले लिया सनराइजर्स हैदराबाद से, क्योंकि जब पिछली बार सनराइजर्स हैदराबाद केकेआर के घर में गई थी तो हैदराबाद ने केकेआर को हराया था। आज जब हैदराबाद के घर में केकेआर गई तो पटक के मार दिया हैदराबाद को उसी के घर में केकेआर ने, और शानदार तरीके से जीत दर्ज करी। आज इस मुकाबले में केकेआर ने जीत दर्ज करने के बाद ये बता दिया कि केकेआर बदला लेने की ताकत रखता है, उसी के घर में उसी को मात देने की ताकत रखता है। और आज केकेआर ने वो करके दिखाया। 5 रनों से रोमांचक मुकाबले में शानदार तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। अब इस जीत के 5 हीरो कौन से हैं, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। शानदार तरीके से केकेआर की जीत के सबसे पहले हीरो जाहिर तौर पर कप्तान नीतीश राणा। कप्तान नीतीश राणा ने ना केवल अच्छी कप्तानी की बल्कि अच्छी बल्लेबाजी भी की, शानदार रन बनाए, हाफ सेंचुरी लगाने से चूक गए, लेकिन जिस वक्त केकेआर मुश्किल में थी उस वक्त नीतीश राणा ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई थी और उसके बदौलत केकेआर ये स्कोर बना पाई। उसके बाद में दूसरे हीरो रिंकू सिंह। जी हां, रिंकू सिंह ने भी आज मध्यम क्रम में कमाल की बल्लेबाजी की, क्योंकि पावर प्ले में ही बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया था। मुश्किल हालात थे उस वक्त, नीतीश राणा के साथ मिलकर पहले पार्टनरशिप को बढ़ाया, फिर रसल के साथ मिलकर पार्टनरशिप को बढ़ाया, तो रिंकू सिंह भी आज जीत के दूसरे हीरो रहेंगे। तीसरी जीत के हीरो रहेंगे आज आंद्रे रसल को मैं रखना चाहूंगा। हालांकि बड़ी पारी नहीं खेल पाए लेकिन कुछ रन भी बनाए, एक विकेट भी चटकाया, शानदार कैच भी लिए। कुल मिलाकर यह है कि आज आंद्रे रसल का ऑलराउंड प्रदर्शन देखने को मिला और रसल भी जीत के तीसरे हीरो के तौर पर रहेंगे। चौथे हीरो के तौर पर आज रहेंगे शानदार तरीके से शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को मैं इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि 2 विकेट तो चटकाए लेकिन 2 विकेट से ज्यादा उनकी जो जरूरत थी वो थी हेनरिक क्लासन का विकेट, क्योंकि जिस वक्त हेनरिक क्लासन और उनके कप्तान मार्करम कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, स्पिनर्स को चौके छक्के लगा रहे थे, एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे, 30 गेंदों पर केवल 38 रनों की जरूरत थी, उस वक्त शार्दुल ठाकुर ने जिस तरीके से विकेट चटकाया, वो पार्टनरशिप ब्रेक की, वहां से कह सकते हैं कि केकेआर को जीत की उम्मीदें बन गई थी और केकेआर ने शानदार तरीके से वहां के बाद में फिर जीत हासिल करी। उसके बाद में अगर पांचवें हीरो की बात करूं तो वो थे वैभव अरोड़ा। जी हां, वैभव अरोड़ा ने हैदराबाद का उसी के घर में घमंड तोड़ा। वैभव अरोड़ा ने हैदराबाद का घमंड तोड़ा, कह सकते हैं 2 विकेट इस लड़के ने हासिल किए, और कह सकते हैं कि 2 विकेट के साथ साथ जो मार्को जेंसन का जो कैच था, जो मार्को जेंसन का विकेट चटकाया था, उसने कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि केकेआर की जीत को पक्का कर दिया था और वहीं से केकेआर इस मुकाबले को जीत गई थी। तो ये केकेआर की जीत के 5 हीरो हैं। आपका इस जीत पर क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि पॉइंट टेबल में, क्योंकि केकेआर अब 8 पॉइंट्स के साथ हो गई है 10 मैचों में, अब पॉइंट टेबल में अभी भी उसकी उम्मीदें जो है वो बरकरार है, अभी भी केकेआर को 4 मुकाबले और खेले और पॉइंट टेबल में अभी भी केकेआर आगे का सफर तय कर सकती है, तो आपका केकेआर की जीत के बाद क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि केकेआर क्वालिफायर कर पाएगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। अपनी जीत के 5 हीरो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।